नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में निवेश को लेकर। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। इस कड़ी में कई तरह की योजनाओं पर काम चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नई नई योजनाओं को चलाने को लेकर लगातार बिहार सरकार अग्रसर है। ऐसे में बिहार सरकार रोहतास में इथेनॉल प्लांट की स्थापना की बात कह रही है, जिसके बाद से बिहार में उद्योग के क्षेत्र में एक नई कदम देखने को मिलने वाला है। बता दें कि पिछले दिनों 42वीं निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक हुई, जिसमें रोहतास के चेनारी में इथेनॉल प्लांट लगाने की बात कही गई है। साथ ही साथ बैठक में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 141.41 करोड़ रुपये के निवेश की भी बात कही गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इथेनॉल प्लांट पर कुल 372 करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही जा रही है। उद्योग विभाग प्रदेश में रोजगार को लेकर किस तरह से अपनी दिलचस्पी दिखा रही है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले दिनों हुई बैठक में सरकार ने कुल 499 करोड़ के 51 निवेश प्रस्तावों को फर्स्ट क्लियरेंस दे दिया है। परिषद की हुई बैठक में नवीकृत ऊर्जा को लेकर 11 करोड़ रुपए की 2 यूनिट लगाने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ साथ लेदर के क्षेत्र में प्रस्तावित सभी यूनिटें अकेले पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी में लगने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि इन दिनों जिलों में इसके लिए सबसे ज्यादा कुशल श्रमिक हैं, जिसके चलते इन जिलों में यूनिट लगाया जा रहा है। बता दें कि इन जिलों में श्रमिक कोरोना काल के दौरान बिहार आए थे। ऐसे में बिहार सरकार यह मान रही है कि इन जिलों में कुशल श्रमिकों के लिए यह एक अच्छा मौका रहेगा। इसी बैठक में जनरल मैन्युफैक्चरिंग में 27.51 करोड़ के 9 प्रस्ताव आए हैं। इसके साथ ही साथ फ्लाइंग एस की 2.65 करोड़ की यूनिट स्थापित करने, PPC पाइप और HDPE के 3.15 करोड़ रुपए की एक यूनिट लगाने का भी प्रस्ताव आया है। इसके साथ ही साथ टेक्सटाइल और लेदर के क्षेत्र में करीब 10 करोड़ की 25 यूनिटें लगाने का भी प्रस्ताव बिहार सरकार के पास आया है। रोहतास जिले के इथेनॉल प्लांट लगाने की बात कही गई है, जिसमें कि प्रतिदिन 300 किलोलीटर इथेनॉल प्लांट बनेगा। यह पूरी तरह से अनाज पर आधारित होगा। बताया जा रहा है कि यह उच्च गुणवत्ता वाला इथेनॉल होगा, जिसका निवेश किया जाएगा। इसके साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि मैदा, सूजी, फिश फीड, सुगर, इन्फेक्शनरी, वेयरहाउस, शीत गृह, कुकीज एंड ब्रेड में भी निवेश किया जाना है। इस बैठक में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि खाद्य प्रसंस्करण को लेकर पटना, भागलपुर, रोहतास, अररिया व सीतामढ़ी में यूनिट लगाने की बात कही जा रही है। इन सब के अलावा 31.41 करोड़ रुपए का प्रस्ताव राइस मिल के निर्माण में भी होने वाला है, जो कि गया, नालंदा, मुंगेर और पश्चिम चंपारण में प्रस्तावित है। इन सब के अलावा मुंबई के कई ऐसे निवेशक हैं जो कि बिहार में निवेश करना चाहते हैं। वे बैग और गवर्नमेंट के क्षेत्र में बिहार में निवेश करना चाह रहे हैं। इसके लिए बिहार के उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ इनकी बैठक हो चुकी है। साथ ही साथ बिहार सरकार मुंबई में निवेशकों को ध्यान में रखते हुए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास निवेश आयुक्त कार्यालय में बिहार के पूरे जमीन का पूरा चित्र रखा है, ताकि निवेशक पहली नज़र में यह डिसाइड कर सकें कि बिहार में उन्हें किस हिस्से में निवेश करने से फायदा होगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि इससे बिहार में निवेशकों को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही साथ बिहार के लोगों को भी एक नई रोजगार मिल सकेगी। और पलायन जैसी एक बड़ी समस्या जो है बिहार के लोगों के सामने एक दंश के रूप में देखा जाता है, उससे भी जो है निजात मिलेगा लोगों को। ऐसे में बिहार सरकार लगातार प्रदेश में निवेश को लेकर अग्रसर है। ऐसे में हम उम्मीद करते है कि बिहार के लोगों को खूब रोजगार मिले और प्रदेश में खूब इंडस्ट्री लगे। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।